हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है KTM RC125 BS6 के ऊपर। सो दोज ऑफ यू डोंट नो, BS6 स्टैंड्स फॉर भारत स्टेज 6। दिस इज़ द न्यू एमिशन नॉर्म्स लेड बाय गवर्नमेंट फॉर अ ग्रीनर एंड क्लीनर एनवायरनमेंट। सो आप वीडियो एंड तक देख लेना, मैं काइंड ऑफ एक रिव्यू आपको दे दूंगा। सो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा बिफोर बाइंग दिस बाइक। सो फर्स्ट अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो आपको वही सेम शार्प शूटर वाला डिज़ाइन इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। और अभी ये न्यू BS6 पेंट जॉब में आपको ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलने वाली है। भले ही बाइक 125 cc की है, लेकिन जो इस बाइक का रोड प्रेजेंस है वो आपको बिग बाइक वाला फील ही आपको देने वाला है सिटी में। बिकॉज इस बाइक का जो टैंगी ऑरेंज कलर है वो दूर से ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, और अब जो सिटी में बहुत ज़्यादा लोग इसे हेड टर्न करके देखते हैं कि कौन सी ये बाइक जा रही है। सो सिटी में ये बाइक आप हेड टर्नर होने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन इस बाइक का आपको देखने को मिलने वाला है। सो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि BS4 से BS6 जनरेशन में आपको क्या क्या चेंजेस इस बाइक में देखने को मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट जो सबसे मेजर चेंज इस बाइक में हुआ है, वो आपको इस बाइक में अब BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलने वाला है। और सेकंड जो चेंज है, इसमें आपको जो बेंड पाइप में कैथलेटिक कन्वर्टर देखने को मिलने वाला है टू मीट द BS6 नॉर्म्स। और अदर देन दैट आपको ये सेम ही बाइक BS4 से देखने को मिलने वाली है बस। सो फाइनली अगर मैं इंजन की बात करूँ तो पावरिंग द RC125 BS6 इज द ऑल न्यू 124 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड मोटर विच प्रोड्यूसेस अराउंड 14.5 PS ऑफ पावर एंड 12 Nm ऑफ टॉर्क एंड दिस कस्मेटेड टू अ 6-speed गेयरबॉक्स। सो फर्स्ट, पहले 125 cc एंटी लेवल सेगमेंट में कोई भी परफॉर्मेंस बाइक आपको देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब KTM की ये 125 की जब से ऑफरिंग आई है तो KTM 125 एक इंस्टेंट हिट इंडियन मार्केट में हो चुकी है। और जो 200 या 390 से ज़्यादा अब आपको 125 ड्यूक और RC की सेल्स रिपोर्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कंसर्न इंडियन पेरेंट्स को रहता था, क्योंकि जो KTM 200 या फिर 390 है उनका जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन और जो इंटिमिडेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती थी। इसी वजह से जो बिगनर्स राइडर्स होते थे उन्हें उनके पेरेंट्स KTM लेने के लिए अलाउ नहीं करते थे। लेकिन अब जो 125 cc KTM आई है 125 cc सेगमेंट में, इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा एक मैनेजेबल पावर देखने को मिलेगी। और इवन अगर एक बिगनर राइडर भी इस बाइक को राइड कर रहा है तो वो आराम से इस बाइक को, बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल पावर आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाली है। इस वजह से 125 एक इंस्टेंट हिट इंडियन मार्केट में रही है। सो इवन अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हो और अगर आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो KTM RC125 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट, इसमें इंटिमिडेटिंग पावर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, और सेकंड, इस बाइक का बहुत ही अच्छा माइलेज आपको देखने को मिलने वाला है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली ये बाइक रहने वाली है। सो स्पोर्ट्स बाइक में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है। सो आप डेफिनेटली इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं अपनी चॉइस के लिए। सो फाइनली अगर मैं इस बाइक के ब्रेक्स के बारे में बात करूं तो फ्रंट में इसमें आपको क्लास लीडिंग 300 mm का फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगा, जो कि आपको किसी भी 125 cc बाइक में देखने को नहीं मिलने वाला है। और रियर में इसमें आपको 230 mm का रियर डिस्क देखने को मिल जाएगा विथ सिंगल चैनल ABS, विच मीन्स ABS इज़ ओनली ऑपरेशनल ऑन द फ्रंट व्हील। रियर व्हील में इसमें आपको RLP देखने को मिलने वाला है, विच स्टैंड्स फॉर रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन, जिससे कि रियर व्हील भी आपको अगर पैनिक ब्रेकिंग करोगे तो रियर ब्रेक इतनी जल्दी से आपका लॉक नहीं होगा। सो काइंड ऑफ आपको फाइनली अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में इसमें आपको 43 mm का USD फोक्स देखने को मिलने वाले हैं, विच ऑफर्स सुपर फ्रंट एंड फील, और आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी ये देंगे वाइल टैकलिंग कॉर्नर्स। सो रियर में इसमें आपको एक गैस चार्ज मोनोशॉक मिलने वाला है। सो फाइनली अगर मैं सस्पेंशन के फीडबैक की बात करूँ तो थोड़ा सस्पेंशन आपको स्टिफर साइड पर इसका देखने को मिलने वाला है। तो ऑल एंड ऑल ये एक ट्रैक फोकस्ड बाइक है, इस वजह से आपको थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन इस बाइक का डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप इस बाइक को एक सिटी बाइक के लिए कंसिडर कर रहे हैं
हैं और आप प्रीडोमिनेटली इस बाइक को सिटी में राइड करोगे तो थोड़ा आपको स्टिफ़ इसका सस्पेंशन देखने को मिल सकता है, लेकिन तो ये बहुत ही अच्छी एक काइंड ऑफ बाइक होने वाली है। अगर आप ओकेजनली वीकेंड राइड इस बाइक से इंजॉय करना चाहते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा फन टू राइड बाइक है और काफ़ी अच्छी पावर भी इसमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसमें 125 सीसी का इंजन है तो काफ़ी पावर इसमें एडवोकेट नहीं होगी, पावर इसमें आपको बिल्कुल ही एडवोकेट देखने को मिलने वाली है। सो वन ऑफ द बेस्ट 125 सीसी बाइक मैं कह सकता हूँ। सो आप डेफिनेटली इस बाइक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अपनी एक चॉइस के लिए। फाइनली अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो सारी रेलिवेंट इन्फो आपको इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाएगी। ट्रिप ए, ट्रिप बी, गियर पोजीशन इंडिकेटर और सारी जो रेलिवेंट इन्फो एक राइडर को चाहिए होती है वो सारी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लोडेड ऑफ फीचर से भरा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाली है। सो फाइनली अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो फ्रंट में इसमें आपको वो सिग्नेचर डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलने वाले हैं और जो इसमें DRL यूज़ हुए हैं वो आपको LED देखने को मिलने वाली है। और जो इसके फ्रंट डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट है वो उनकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा दूर तक आपको इस बाइक का लाइट स्प्रेड देखने को मिलने वाला है। और नाइट राइड्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत इस बाइक को चलाते हुए नहीं होने वाली है, क्योंकि जो इस बाइक के लाइट स्प्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक जाती है। इस वजह से आपको कोई जो मार्केट लाइट्स आती हैं वो लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जो स्टॉक लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलने वाली है। सो रियर में भी इसमें आपको LED टेल लाइट देखने को मिलने वाली है, जो कि KTM का आइकॉनिक डिज़ाइन है। और वन ऑफ द फेवरेट पार्ट जो मुझे इस बाइक का लगता है वो है जो इस बाइक की रियर टेल लाइट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और मीन रियर से ये बाइक लगती है। सो फाइनली अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो फ्रंट में इसमें आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं। और जो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इन इंडिकेटर्स का वो फ्रंट में इसमें आपको ये मिरर्स में ही इंडिकेटेड देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मीन इस बाइक को डिज़ाइन देता है। सो फाइनली अगर मैं RC125 की सीट हाइट की बात करूँ तो वो अराउंड 835 mm है, विच इज़ काइंड ऑफ अ हाई सीट हाइट। सो पर्सनली मैं 5 feet 10 inches टॉल हूँ और मैं एक ही तरफ से प्लांटेड फुट कर सकता हूँ, दोनों तरफ से मैं प्लांटेड फुट नहीं कर पा रहा था। सो आप अगर एक काइंड ऑफ शॉर्ट राइडर हो तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं इस बाइक को मैन्यूवर करने में, लेकिन अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, आप अच्छे से बाइक चला सकते हो तो आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, इवन अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हो तो। सो ऑल इन ऑल एक सीट हाइट थोड़ी हाई है, लेकिन आप आराम से इसे मैन्यूवर कर सकते हो अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं बाइक को राइड करने के लिए। सो फाइनली अगर मैं राइडिंग एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ इस बाइक के तो वो आपको थोड़े कमिटेड देखने को मिलने वाले हैं। इवन जो इसके गियर लीवर है या जो ब्रेक लीवर है वो आपको थोड़े रियर सेट देखने को मिलेंगे, इस वजह से कमिटेड राइडिंग पोजीशन इस बाइक की बन जाती है। सो अगर आपको एक सुपर स्पोर्ट बाइक चाहिए तो ये तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, इतना तो सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जो इवन जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक होते हैं उनके जो राइडिंग एर्गोनॉमिक्स होते हैं वो आपको थोड़े कमिटेड देखने को मिलते ही हैं। सो फाइनली अगर मैं टिपिकल इंडियन क्वेश्चन की बात करूँ जो कि हर बायर के माइंड में होता है बिफोर बाइंग एनी बाइक, कि ये बाइक माइलेज कितना देती है। सो 125 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट रिटर्निंग माइलेज आपको इस बाइक का देखने को मिलने वाला है, विच इज़ अराउंड 50 km/h का माइलेज यह बाइक आपको रिटर्न कर देगी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट माइलेज है फॉर अ परफॉर्मेंस 125 सीसी बाइक। सो माइलेज के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे माइलेज आपको देने वाली है और बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ पॉकेट फ्रेंडली बाइक आपके लिए रहने वाली है। सो फाइनली अगर मैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इस बाइक में जितने भी पार्ट्स यूज़ हुए हैं वो प्रीमियम और टॉप नॉच क्वालिटी के हैं, आपको बिल्कुल भी कोई चीप पार्ट्स इस बाइक में यूज़ हुए देखने को नहीं मिलने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक और प्रीमियम फील ये बाइक देती है जब आप इस बाइक को इन फ्रंट आप देखेंगे सामने अपने। सो इसमें इवन जो पार्ट्स यूज़ हुए हैं या फिर जो बटन्स हैं उनका जो फील है वो भी आपको प्रीमियमनेस देगा। सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच क्वालिटी के आपको इस बाइक में पार्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर आपको कोई भी KTM प्रोडक्ट चाहिए और अगर आप मुरादाबाद से हो तो मैंने KTM शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए होंगी तो जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आप डेफिनेटली शोरूम विज़िट कर सकते हो, वहाँ टेस्ट राइड बुक कर सकते हो और अपनी जो फेवरेट बाइक है उसकी टेस्ट राइड ले सकते हो। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जिस भी बाइक को लेने के कंसिडर कर रहे हैं उसकी पहले आप टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि वो बाइक आपको सूट कर रही है कि नहीं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली मेरी वीडियोज़ इन्जॉय करते हो, आप देखते भी हो वीडियो, लेकिन आप वीडियो लाइक नहीं करते हो। सो आप डेफिनेटली मेरी वीडियो लाइक कर सकते हो जिससे कि मेरी और ज़्यादा रीच बढ़ सकती है। सो आप डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। सो बस यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज रेवार्ड रेफ्री, बाय।